तो गाइस इस वीडियो में हम मीडिया क्वेरीज को देखेंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना बहुत ही मुश्किल है, जबकि ऐसा नहीं है। आप बहुत इजीली वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं मीडिया क्वेरीज की हेल्प से। आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट देखी होंगी जो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के ऊपर तो सही ओपन होती है, बट जब हम उसको मोबाइल पर या फिर आईपैड के ऊपर ओपन करते हैं तो उसका लेआउट है वो खराब हो जाता है। उसको देखने के लिए हम राइट की तरफ स्क्रॉल करते हैं। तो जब भी हम किसी वेबसाइट को राइट की तरफ स्क्रॉल करें, इसका मतलब कि उसका लेआउट खराब है, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम मीडिया क्वेरीज का यूज करते हैं। मीडिया क्वेरी में हम सीएसएस को लगाते हैं, उसमें कंडीशन लगाई होती है कि कितनी विड्थ से लेकर कितनी विड्थ तक ये सीएसएस अप्लाई होनी चाहिए। चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन ऊपर और इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे मीडिया क्वेरी का यूज किया जाता है। बहुत इजी यूज है, आपको एक बार में समझ आ जाएगा। तो गाइज मैं अब अपने वेब पेज के ऊपर आ गया हूं। यहां पर सिंपल मैंने एक हेडिंग और एक पैराग्राफ लगाया है। तो यहां पर अब हम मीडिया क्वेरीज को समझते हैं। मीडिया क्वेरीज का क्या यूज होता है, जैसे आप ये देखो, अब यहां पर ये जो हेडिंग और पैराग्राफ है ये मैंने इसके अकॉर्डिंग सेट किया है, जितनी ये विड्थ है, ठीक है, इसको मैं एक्सपेक्ट करता हूं, ये मैंने इसके अकॉर्डिंग सेट किया है, ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं फिलहाल। अब ये देखो, तो बट अगर मैं इसको कम करता हूं, मैं चाहता हूं कि जब भी इसकी विड्थ कम हो, ये देखो कम हो रही है ना, तब इसका जो साइज है वो ऐसा ना हो, तब यहाँ पर कोई स्टाइलिंग आ जाए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पर मीडिया क्वेरीज को लगाते हैं, तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज करता हूँ। स्टाइल टैग के अंदर हम यहाँ पर सिंपल H1 को लगा देते हैं कि जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए रेड, और जो इसका मेन कलर है वो हो जाए येलो, या फिर ब्लू कर देता हूं मैं। और नीचे चलता हूं, यहां पर मैं पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है वो ले लेता हूं, बैकग्राउंड कलर हो जाए ग्रे, ग्रे, और जो कलर है इसका टेक्स्ट कलर है वो हो जाए वाइट, या फिर वाइट कर देते हैं वाइट। सेव किया, अब देखना, तो अब ये ऐसा हो गया। तो ये मैंने स्टाइल किया है कि अगर चाहे डिवाइस कहीं पर भी हो, चाहे डिवाइस बड़ी हो या छोटी हो, जितनी जाएगी यहां पर ये लगा आ जाएगा, जो मैंने यहां पर सिंपल सेट किया है। बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं जब भी ये मोबाइल पर ओपन हो या फिर किसी और विड्थ में जो हमारी वेबसाइट ओपन हो, किसी और डिवाइस में वेबसाइट ओपन हो, तो वहां पर ये नहीं डिस्प्ले होना चाहिए। तब यहां पर जो मैं स्टाइलिंग करूं, जो मैं सीएसएस लगाऊं, वो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो मीडिया कैरीज के अंदर हम जैसे डिस्प्ले लगवाने चाहते हैं अलग अलग विड्थ के अकॉर्डिंग, अलग अलग डिवाइस के अकॉर्डिंग, तो वो हम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम यहां पर नीचे चलते हैं, तो हमें यहां पर लगाता हूं मीडिया। तो मीडिया के अंदर मीडिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे स्पीच हो गया, स्क्रीन हो गया, प्रिंट हो गया, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर हम सभी टाइप्स को एक ही बार में लगाना चाहते हैं तब हम यहां पर ओल्ड का यूज करते हैं। ओल्ड के अंदर सभी मीडिया के टाइप्स आ जाते हैं, बट इस वीडियो में हम स्क्रीन को देखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारी वेबसाइट किसी भी डिवाइस पर ओपन हो, किसी भी स्क्रीन पर ओपन हो, तो उसकी स्टाइलिंग कैसी होनी चाहिए, सीएसएस कैसी होनी चाहिए, उसके लिए हम यहां पर स्क्रीन का यूज करेंगे। अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि जब भी हमारी वेबसाइट है प्रिंट हो, उसका कोई भी प्रिंट निकले, तो उस पर सीएसएस कौन सी होनी चाहिए, डिजाइन कौन सा अप्लाई होना चाहिए, तो वो हम प्रिंट से करते हैं, बट हम यहां पर स्क्रीन को देखेंगे। तो क्या करेंगे, मैं यहां पर लगाऊंगा ओनली स्क्रीन, सिर्फ स्क्रीन पर ही मैं सीएसएस लगानी चाहता हूं, मीडिया क्वेरी लगानी चाहता हूं। तो अब क्या करेंगे, अब मैं यहां पर लगाऊंगा एड, स्क्रीन तो लगा दिया, अब मुझको स्क्रीन की विड्थ बतानी है कि कहां से लेकर कितनी स्क्रीन तक करना चाहता हूं। जैसे अगर मैं यहां पर लगा दूं कि मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा उसका जो साइज है, मैक्सिमम विड्थ है जो स्क्रीन की, वो कितनी होनी चाहिए, वो मैं बता देता हूं 800 पिक्सल, कि 800 पिक्सल तक जो भी मैं स्टाइल करूं वो यहां पर अप्लाई हो जाए। 800 पिक्सल से अगर ज्यादा बड़ी वेबसाइट होगी, ज्यादा साइज होगा, तो वहां पर ये सीएसएस अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। पर मैं यहां पर लगाऊंगा करली ब्रेसेस, तो बस इतना करना है। अब हम यहां पर जो भी सीएसएस लगाएंगे, जो भी स्टाइलिंग करेंगे, वो इस कंडीशन पर अप्लाई हो जाएगी। ये कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम विड्थ होनी चाहिए 800 पिक्सल, यानी कि 0 पिक्सल से लेकर 800 पिक्सल तक जो भी मैं यहां पर सीएसएस लगाऊंगा वो अप्लाई हो जाएगी। बट अगर 800 पिक्सल से ज्यादा विड्थ की कोई डिवाइस होगी तो वहां पर सीएसएस अप्लाई नहीं होगी। तो वहां पर कौन सी होगी, जो हमने यहां पर बाय डिफॉल्ट लगाई है, ये वाली। कैसे, अब जैसे मैं यहां पर लगा देता हूं कि जो H1 है, H1 का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूं यहां पर ग्रीन, ठीक है, और जो कलर मेन है वो मैं कर देता हूं यहां पर रेड। तो अब देखना, तो अब ये ऐसे ही है, ठीक है, रेड है, क्योंकि अब यहां पर साइज देखो 832 है, 832 साइज है यहाँ पर। बट जैसे ही मैं यहाँ पर इसको कम करूंगा, ये देखो 812 हो गया, और देखना अब देखो 809, ये देखो
805, 804, 803, 802। अब जैसे ही ये कम होगी, ये देखो 800 तक गई, तो यहाँ पर ये सेशंस अप्लाई होगी। तो यही काम होता है मीडिया क्वेरीज का। तो मीडिया क्वेरीज से आप अलग अलग डिवाइस पर अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर सकते हैं। तब इसके बाद यहाँ पर ये देखो, यही जो यहाँ पर स्टाइलिंग की है यही लगेगी। अगर मैं पैराग्राफ पर भी लगाना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पर लगाऊंगा पैराग्राफ, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूं, कौन सा कर दूं यहां पर मैं, ब्राउन। ठीक है, अब देखना, अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाएगा ब्राउन। 800 पिक्सल से अगर ज्यादा होगा तब तो जो पहले लगी हुई है बैट बोल्ट वही लगेगी, बट 800 पिक्सल जैसे कम जाएंगे तब यहां पर ये लग जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहां पर मिन विड्थ का भी यूज करूं, एंड लगाया ना, एंड के बाद अब मैं यहां पर अगर लगा दूं कि अगर मिन विड्थ हो कितनी, मिन विड्थ हो 600 पिक्सल, और बीच में मैं लगाऊंगा एंड, तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कम से कम इसका जो साइज है 600 पिक्सल तो होना चाहिए। 600 पिक्सल से अगर कम साइज होगा तब वहां पर ये सीएसएस अप्लाई नहीं होगी, और 800 पिक्सल से ज्यादा होगा तब भी यहां पर ये सीएसएस अप्लाई नहीं होगी। तो कहां पर होगी? ये होगी 600 और 800 पिक्सल के बीच ये सीएसएस लगेगी। मतलब कि जो स्क्रीन का साइज होगा, चाहे कोई भी स्क्रीन हो जहां पर वेबसाइट ओपन हो रही है, उस स्क्रीन का साइज अगर 600 और 800 पिक्सल के बीच होगा, यानी कि 600 और 800 पिक्सल के बीच होगा, तब वहां पर सीएसएस अप्लाई होगी। इसके अलावा कहीं पर भी सीएसएस अप्लाई नहीं होगी। तो अब जैसे ये देखो, अगर यहां पर ये देखो मैं कम करता हूं, यहाँ पर सीएसएस सप्लाई हो रही है, बट जैसे ही ये देखो 600 पिक्सल हमारा कहाँ है, ये देखो यहाँ पर 600 पिक्सल आ गया, ये 600 पिक्सल से कम करूंगा, ये देखो तो यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या? मिन विड्थ 600 पिक्सल सेव नहीं किया शायद मैंने यहाँ पर, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अब देखना, तो अब ये देखो, ठीक है, पहले सेव करना भूल गए थे, तो यहां पर तो ये देखो आ रही है ना, ब्राउन कलर हो रहा है इसका, ठीक है, बट जैसे ही ये कम जाएगी 600 से, ये देखना, ये देखो फिर से अपने वही आ गई जो पहले स्टाइलिंग थी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो और भी आप कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर नीचे जाऊं और अब मैं यहां पर लगा दूं कि जो यहां पर नहीं, ये तो एक मीडिया क्वेरी होगी, ये देखो ये एक मीडिया क्वेरी होगी, इसके बाद मैं जितनी चाहे उतनी मीडिया क्वेरीज को लगा सकता हूं। मैंने एक और मीडिया लगाई, और अब इसके अंदर मैं लगाता हूं सिर्फ स्क्रीन, ओनली स्क्रीन के लिए ये है सीएसएस, एंड इसकी जो विड्थ है मिन विड्थ, कम से कम इसकी विड्थ होनी चाहिए 400, मिन विड्थ 400 पिक्सल, और ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम ये जाए विड्थ कहां तक जाए, 600 पिक्सल तक जाए। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहां पर क्या चाहता हूं कि जो H1 है उसको मैं लगा देता हूं कि उसका जो फॉन्ट साइज है वो हो जाए 30 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन हो जाए सेंटर, बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूं यहां पर वाइट ही कर देता हूं जो बाय डिफॉल्ट है। मैं लगाता हूं इनिशियल कि जो पहले से लगा हो, इनिशियल लगाया, और कलर मैं यहां पर कर देता हूं, कौन सा कर दूं, कलर कर देते हैं हम यहां पर ब्राउन कर देते हैं। ठीक है, जहां मैं यहां पर कर देता हूं ब्लू, सेव किया। अब देखना, तो अब ये देखो अब यहाँ पर कितना साइज है, 547। तो क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर लगाया है कि जब 400 और 600 के बीच होगा तब ये चीज़ लगेगी। ठीक है, बट जैसे ही जब 600 से, ये देखना 600 से आगे जाएगा तब यहाँ पर ये आ गई। तो ऐसे हम अलग अलग स्क्रीन पर अलग अलग डिवाइस की जो विड्थ है स्क्रीन की, वहां पर सीएसएस सेट कर सकते हैं। आपने बहुत सारी विदाउट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को देखा होगा, तो विदाउट रिस्पॉन्सिव मतलब कि अगर किसी भी वेबसाइट को आपको मोबाइल में हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना पड़े तो इसका मतलब कि उस वेबसाइट का जो लेआउट है वो खराब है, वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपको हमेशा उस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर मान लो कि आप डेस्कटॉप के ऊपर वेबसाइट बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सभी विड्थ को सेट कर रहे हैं, आपने मीडिया क्वेरीज का यूज नहीं किया, तो जब भी वो मोबाइल पर ओपन होगी तो उसका जो साइज है, जो लेआउट है, वो तो लैपटॉप डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग ही सेट होगा, तो उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग सेट होगा, तो जब उसको हम मोबाइल में देखेंगे तो वो खराब दिखेगी। उसको ठीक करने के लिए हम मीडिया क्वेरीज का
जूज करते हैं। इस वीडियो में से तो आपको इतना बताना था कि मीडिया क्वेरीज कैसे जूज की जाती है, कैसे लगाई जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हम मीडिया क्वेरीज का जूज करेंगे, ग्रिड, फ्लैक्स और एनिमेशन का भी जूज करेंगे। उम्मीद करता हूं कि अब आपको मीडिया क्वेरीज का जूज पता चल गया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ आई हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत जल्द हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो फुली रिस्पॉन्सिव होगा, जिसके अंदर हम फ्लैक्स ग्रिड के अलावा एनिमेशन इफेक्ट्स का भी यूज करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ आई हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस कंप्लीट वीडियो का सोर्स कोड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखना मत भूलना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोर्स के साथ।